हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीताफल से मिल्क शेक बनाएंगे। जिसके लिए सबसे पहले हम इसके बीजे निकालेंगे, ये इसका गुद्दा निकालेंगे और बीज को अलग कर लेंगे। सीताफल के मैंने बीज अलग कर दिए और ये इसका गुद्दा पल्प अलग कर दिए। 2 गिलास दूध ले लिए, स्वादानुसार चीनी है 2 चम्मच। बस इनको मिक्सी के जार में डालना है और सिर्फ ब्लेंड करना है और फिर हमारा ये शेक तैयार हो जाएगा। पहले थोड़ा सा दूध डाल के ब्लेंड कर ले और बाकी का दूध फिर हम बाद में डालेंगे। अब बाकी का बचा हुआ दूध भी डाल दें और फिर से एक बार ब्लेंड कर लें। हमारा मिल्क शेक बनकर तैयार है। अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ। सीताफल शेक बनकर तैयार है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक भी बहुत ज़्यादा है। आप इसको थोड़ा मैश करें, थोड़ा इसमें सीताफल का भाग रहेगी भी तो कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि वो खाने में बहुत अच्छा लगता है और शेक भी टेस्टी लगेगा। हेल्दी हेल्दी सीताफल मिल्क शेक बनकर तैयार है। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें और मम्मी पापा की रसोई को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।